विराम के बाद उपस्थित छिला के गपशप। वर्ष 2003 में संविधान के अष्टम अनुसूची में मैथिली का स्थान भेटल। अखन धरि 7 साल बीतला के बाद एकर की स्थिति है, एहि पर हम सब गपशप केने छी पटना विश्वविद्यालय के रीडर डॉक्टर सत्यनारायण मेहता से। देखल जाए गपशप। 22 दिसंबर 2003 मिथिला मैथिली के लिए ऐतिहासिक रहा। अही दिन मैथिली के अष्टम अनुसूची में स्थान भेटल। अइ दिन के बाद से अखन धरि हमरा लोकन 7 सालक यात्रा तय कलो। 7 साल में मैथिली कतबा डेग आगू बढ़ल। अइ मादे हमरा सब प्रश्न करै छियन पटना विश्वविद्यालय के रीडर मैथिली विभाग में रीडर डॉक्टर सत्यनारायण मेहता से, जे मैथिली की अइ 7 साल में 7 डेग आगू बढ़ल। निश्चित रूप से 22 दिसंबर 2003 जे कहे छे ई ऐतिहासिक दिन छल मैथिली भाषा के लेल। ओहि दिन से ई 7 साल जे अपने कह रहल छे, 7 साल में मैथिली भाषा साहित्य के यदि हम दू भाग में बांट के हम चर्चा कर रहल छी, एक जना भाषा साहित्य पढ़ के नौकरी चाकरी भेटले या नहीं भेटले एमे बहुत रास गप छै, दोसर भाषा साहित्य विकासक दृष्टिकोण से सेहो बहुत विकास भेलैया। पहिने हम चर्चा करब रोजगार संबंधी। तो यूपीएससी और बीपीएससी एहि सबमे जे छै छात्र या विद्यार्थी अपना सबके रुझान बहुत बेसी भेलैया, किएक तऽ रोजगारक अवसर पहिने नहि रहै। एक बेर बीपीएससी में रहै तऽ हटा देल गेल रहै, लेकिन आब 7 वर्ष में जे छै रुझान मात्र मैथिली भाषी नहि दोसरो भाषा भाषी सब हमरा विभाग में आबै छथि। मने उदाहरण के रूप में मास दिन पहलो भोजपुरी चाहे मगही, हमरा हम तो मैथिली में गप करै छी मुदा ओ करै छथि भोजपुरी में, लेकिन कहै छै जे हम व्याकरण हम पढ़ि चुकल छी अछि छथि। तऽ हमर ई कहबाक अभिप्राय अछि जे रोजगार के दृष्टिकोण से रोजगारो उन्मुख अखन छै आ सबके एहिमे अवसर भेटबाक उम्मीद ल के सब गोटे जे छै से मैथिली भाषा के पढ़ चाहै छै। एहिमे विश्वविद्यालय स्तर पर या हाई स्कूल के स्तर पर, तो विश्वविद्यालय स्तर पर जे छै से विद्यार्थी सबके पढ़े में कने असुविधा छै, एहि दुआरे कि मात्र मैथिली जे बीए में पढ़े छै तकरे हमरा सब एमए में एडमिशन लै छै, ओकर बाद रिसर्चो के स्कोप काफी बढ़ गेल चुकल छै। जेना अनुदान आयोग जे छै यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, मने ओहूठाम जे छै ओहूठाम से पाइ भेटै छै रिसर्च, यानी यहू सब रिसर्चो के क्षेत्र में डेवलपमेंट भेलै या नहि भेलै से बात नहि छै, लेकिन इएह छै जे गति जतेक हेबाक चाही ओतेक नहि एलैए। दोसर जे हम एकटा कहे चाहै छी, भाषा साहित्यक विकासक दृष्टिकोण से सब गोटे एहि पर कहि सकै छै डेवलपमेंट भेलै, हर एक विधा में लिखल जा रहल छै से तऽ लेखन के स्तर पर ने। लेकिन अन्य बहुत रास जे अवसर सब छै ताहिमे लगैए नहि जे मैथिली कतौ ने कतौ छूटि रहलैए? जेना एखने जे बहाली भेलैए अनेको मने शिक्षक सबके नीतीश सरकार में प्राथमिक विद्यालय से लऽ कऽ उच्च विद्यालय धरि, ताहिमे मैथिली के लेल विशेष रूप से शिक्षकक बहाली नहि भेलै, तऽ नहि लगैए जे कतौ ने कतौ ई रोजगार के जे अवसर छै से जतबा तेजी से बढ़लैए ओतबा तेजी से ओ घटियो रहलैए? हाँ, ई छै मैथिली विषय लऽ कऽ जे पढ़लकैए विद्यार्थी सबके इच्छा होइ छै जे हमरो अहिना रोज जे दोसर भाषा भाषीके भेटै छै हमरो। एहि सन्दर्भमे की कहल जाए, 15 सालसँ मने मैथिली विषयमे की कहल जाए, अखन तक बहालीके प्रक्रिया पूर्ण रूपे नहि भऽ सकल यऽ। तैँ एहि लऽ कऽ एहि दिस जे छै से कने अभाव खटकै छै जे नौकरी हेतिए तऽ मैथिली भाषाके विकास हेतिए। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ई जानना चाहै छी जे कि मैथिली एहि 7 सालमे पहिलुका तुलनामे बढ़लैए आ कि घटलैए? पहिलुका तुलनामे एकरा हम बढ़लै मानबै, जेना हम दुनू क्षेत्र कहलहुँ यऽ, भाषा से लेखन क्षेत्रमे बढ़लैए, जेनाकि अपने सब कैक बेर जे छै से कथा गोष्ठी वगैरह कहे सगर राति जीव जरा और आरो सब संस्था में जे विचार गोष्ठी छै एहि सब दृष्टिकोण से हम मानै छी जे बढ़लैए। रोजगार के दृष्टिकोण से जे छै
एहिमे यथावत अछि, एहिमे कतौ कोनो उन्नति मैथिली भाषा जे पढ़ि कऽ जे आगाँ बढ़लै ओकरा नौकरी चाकरी नहि भेटलै तऽ कनेक निराश तऽ जरूर छै। डॉक्टर साहब निराश छथि, ओकर मुख्य कारण छै जे मैथिली लऽ कऽ जे सब पढ़लै ने तिनका सबके नौकरी भेटबामे असौकर्ज छनि। संविधानमे अष्टम अनुसूचीमे स्थान प्राप्त भेलाके बाद रोजगारके अवसर बढ़बाक लोकके ई रहै जे आब रोजगारक अवसर बढ़तै, मुदा से नहि भेलै। एहि मामलापर हमरा सबके पुनः कोनो ने कोनो तरहे विचार विमर्शके खगता छै, आखिर चूक कतौ भऽ रहलैए। आब गप सबके बाद समय भऽ गेल अछि जानै के कते बदलल अछि बिहार। भगा देलै बेईमान छै, इंदिरा आवास चाहिए। नमस्कार, कतेक बदलल बिहार में अहाँ सबक स्वागत अछि। हम एखन ठाढ़ छी पटना के गांधी मैदान में। एतय किछ लोक छथि हुनका सबसे जानै छी कि बिहार कतेक बदलल अछि। बिहार में तो कुछ विधि व्यवस्था वगैरह कुछ तो चेंज हुआ है, जैसे में सड़क हुआ और गांव देहात का, जैसे कि गांव देहात में भी रोड वगैरह बना है, सब कुछ तो हुआ ही है, लेकिन वही थोड़ा सा शिक्षा का स्तर थोड़ा लूज हो गया है और यहाँ का जो राजनीति का जो अथी है ना, यहाँ पर जातीयता का बहुत ज़्यादा कारण जो ऐसे गांव-गांव में जो ऐसे दशहत लोग अपने आप पर हावी होना चाहता है, दूसरों को दबाना चाहता है, यही सब हो रहा है यहाँ पर। बाकी और सब तो विधि व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी वगैरह रोड वगैरह नाली वगैरह सब तो बनी रहा है। बिहार में ऑलमोस्ट क्राइम का ग्राफ घट गया, पहला चीज़। एजुकेशन का ग्राफ बढ़ा, जितना पहले एजुकेशन का ग्राफ नीचे जा रहा था वो ग्रोथ करके मतलब बराबर पे आ गया है। एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा काम हुआ है बिहार के लिए, जहाँ पे एजुकेशन आएगा खुद ब खुद लोग अपने आप में समझ जाएंगे, उसमें यही सबसे बड़ा ग्रोथ है विकास के लिए। आप हमरा दिया था इजाजत, कल फिर भेंट है कोनो नव जगह पर किछ नव लोग के संग। नमस्कार, एहि अंक में एतबे। अहाँ सब अपन सुझाव और विचार अवश्य पठाबी, हमर सबके पता अछि। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समदिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँक इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा सा शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। नोट करू हमर पता, समाद सौभाग्य मिथिला टीवी, 602 विराट कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना 813। हमरा सभक फोन नंबर अछि 9386485202, 9403052277। हमरा सभक ईमेल आईडी अछि sobhagyamithilatv.patna@gmail.com। बेस आज्ञा दिया, कल फेर हाजिर है नव अंक में किछ नव समाज संग। अहाँ बनल रहू सौभाग्य मिथिला संग। नमस्कार।